दिन कम होती जा रही है, बहुत कुछ करते हो, सब कुछ करते हो, थक चुके हो, लेकिन रंगत साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी रंगत और भी ज्यादा कम होती चली जा रही है। क्या आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, काले दाग धब्बे हैं, मिलाजमा है, डार्क स्पॉट की परेशानी है? क्या आपको मंकी माउथ की परेशानी है, यानी कि यहाँ की जो आपकी स्किन है एकदम से डिफरेंट लगती है? तो भी बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता ये नहीं है कि छवि आपने बहुत सारे पिगमेंटेशन के ऊपर फेस पैक बना रखे हैं और आज आप फिर से लेकर के आ गए हो, तो मैं कौन सा लगाऊं? दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सुपर से भी ऊपर वाले वीडियो को, जो कि ये पैक और जो भी मैं लेकर के आई हूं, अगर आप सब कुछ प्रॉपर फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ आपको रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ छवि। जो भी मुझसे बड़े हैं उन्हें प्रणाम और ढेर सारा प्यार, जो भी मुझसे छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट इस बात के ऊपर आ रहे हैं कि छवि आपने बहुत सारे पिगमेंटेशन फेस पैक बना रखे हैं, उसको लेकर के मुझे कंफ्यूजन है कि मैं ये लगाऊं, वो लगाऊं, दिस लगाऊं, दैट लगाऊं। दूसरे जो मुझे भर भर के DM आ रहे हैं वो इस बात का कि छवि आपने जो वो राइस फेस पैक बताया था उसे मैं लगाई हूं, बहुत ने लिखा है कि उनकी स्किन के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। वो जो राइस फेस पैक है, जो मुझसे नए जुड़े हैं उन्हें लगेगा कि एक दिन में क्या किसी की स्किन के ऊपर फर्क पड़ जाएगा पिगमेंटेशन के ऊपर। तो मैं बता दूं, जो अभी इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड की थी, ये वाला यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देने वाली हूँ थंबनेल, ये वीडियो मैं लास्ट मुझे लगता है 6 महीने पहले भी अपलोड की थी। सेम वीडियो मैं 6 महीने पहले अपलोड की थी और उस टाइम जिन्होंने भी उस फेस पैक को यूज किया है सबके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आया है। तो थैंक यू अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, दूसरे जो आपके DM आ रहे हैं ये कि छवि मेरी दिनों दिन रंगत कम होती जा रही है, चाहे मैं कितना भी करती हूँ मेरी रंगत कम होती जा रही है। पिगमेंटेशन के ऊपर मैं जब फेस पैक लगाती हूँ तो पिगमेंटेशन जो है मेरे थोड़े टाइम के लिए लाइट होते हैं, जहां मैं फेस पैक छोड़ती हूँ कि मेरे पिगमेंटेशन फिर से बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। तो आपके इस बात का रिप्लाई मैं करती हूँ। देखिए, मेरे जो ब्लॉगिंग चैनल में है उन्हें पता होगा कि मेरी हाउस हेल्पर है, उसका नाम है मीरा। और आपको मैं बता दूं, मीरा के चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन जो है वो काले दाग जो है वो हो गए थे। वैसा हुआ था कि मीरा डॉक्टर के ट्रीटमेंट में चली गई थी। मैं उसको बोल रही थी कि मीरा ये वाला फेस पैक लगा दो, तो उसको बहुत ज्यादा था कि नहीं दीदी, फेस पैक तो पता नहीं कितने टाइम में असर करेगा, तो और मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मेरा तो पूरा टाइम आपके पास गुजर जाता है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है और घर में कोई ना कोई रहता है तो मैं फेस के ऊपर पैक लगा के घूमती नहीं हूँ। उसकी बात सही थी कि भाई घर में कोई ना कोई रहता है तो फेस पैक लगा के नहीं, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो फाइनली वो डॉक्टर के अंडर में गई। जब डॉक्टर के अंडर में गई तो उसके फेस के ऊपर कुछ दिनों तक मुझे बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखा। उसकी रंगत भी मुझे साफ लगने लगी और उसके जो पिगमेंटेशन थे वो भी मुझे लाइट लगने लगे। सही बात है, ये फैक्ट है कि जब डॉक्टर के पास गई तो उसके पिगमेंटेशन लाइट भी हो गए और उसकी जो रंगत जो कम हो गई थी पिगमेंटेशन के कारण, उसकी रंगत अजीब सी दिखती थी, एकदम से काली दिखती थी, क्योंकि वो पार्लर में जाके पता नहीं कौन सा ब्लीच करा ली थी जिससे उसकी स्किन ही जल गई थी। तो उसकी रंगत में भी मुझे फर्क दिखा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए, मीन्स वो 2 महीने ट्रीटमेंट कराई, 2 महीने में मुझे उसकी स्किन में भी फर्क दिखा, उसकी रंगत भी साफ लगी, उसकी स्किन भी ग्लोइंग लगी। लेकिन जहां वो फेस क्रीम लगाना बंद की है, जहां वो डॉक्टर, क्योंकि उसे पॉकेट के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था, जो डॉक्टर्स जो पिगमेंटेशन के ट्यूब देते हैं, जो क्रीम देते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली जाता है। तो जहां वो बंद की है कि मैं किसी ब्लॉग में आपको मीरा के फिर से फेस आपको दिखलाऊंगी, फिर से उसकी स्किन में का पता नहीं ग्लो कहाँ चला गया, उसकी स्किन में ग्लो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है, और पिगमेंटेशन फिर से वैसे के वैसे ही दिख रहा है, ग्लो गायब हो गया, पिगमेंटेशन वैसे ही के काले काले मुझे फिर से उसके चेहरे के ऊपर दिखने लगे और रंगत फिर से वही हो गई। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि
मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरा ही फेस पैक ट्राई कीजिए, डॉक्टर के पास नहीं जाइए। भाई जिसको जाना है डॉक्टर के पास जाइए, जिसको जाना है जिसको है आप पैक लगाइए, लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर के पास बहुत टाइम गई हुई हूँ भाई, बहुत टाइम, लेकिन जब तक आप उनका क्रीम लगाते हो, जब तक आप उनका ट्रीटमेंट कराते हो, तब तक आपकी स्किन साफ रहती है। जहां उस ट्रीटमेंट को बंद करते हो, जहां उस क्रीम को बंद करते हो, पिगमेंटेशन जो है आपके चेहरे पर दुगनी तेजी से आ जाता है, और जो काले दाग धब्बे हैं वो मीन्स और भी ज्यादा दिखने लगते हैं। तो एक ही उपाय हो सकता है कि जब जब वो बुलाते रहे तब तब आपको जाना पड़ेगा, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीना में, 1 साल में, जब जब वो बुलाए तब तक आप जाएं, उनके ट्रीटमेंट के अंदर रहते हैं, तब आपकी स्किन साफ रहेगी। लेकिन बहुत के पास उतना पेशेंस नहीं होता, बहुत के पास उतना टाइम नहीं होता, और बहुत के पास उतना पैसा वेस्ट करने के लिए भी नहीं होता। तो बस दोस्तों, अगर आप उस टाइप के हो, अगर आप थोड़ी सी मेरी वाली सोच रखते हो कि भाई नहीं जाना, खुद के फेस पैक से ही मैं सब कुछ करूंगी, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। ये आज मैं जैसे आपको बताती हूँ वैसे अगर हर एक स्टेप फॉलो करते हैं, तो गारंटी के साथ, अगर चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे हैं, तो आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि 7 दिन में आपकी रंगत साफ हो जाएगी, 7 दिन में काले दाग धब्बे। जो होम रेमेडी है वो टाइम लेता है, बट गारंटी ये रहती है कि आपकी स्किन को खराब नहीं करता, आपकी स्किन को कुछ देगा खराब नहीं करेगा। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। नहीं पूछना है कि चल ये स्टेप करूं, ये स्टेप स्किप करूं, दिस करूं, डैट करूं, कुछ भी नहीं, जैसे मैं बताती हूँ वैसे करें। स्पेशली ये पैक देसाई मैम, सुतापा मैम, और जिन जो जो मेरी दोस्त हैं, जिनके जिनके चेहरे के ऊपर, जो जो मेरे फैमिली मेंबर है जिनके चेहरे के ऊपर ये जो भी मैं परेशानी बताई वो सब परेशानी है, या फिर जिनके चेहरे के ऊपर ये सब परेशानी नहीं है, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं ग्लो के लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, इस पैक को बनाना शुरू करते हैं, बट सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 ये है, जो कि आप देख करके फिर कहोगे, मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे, छवि जी बहुत सारे यूट्यूबर ये बताते हैं, ये चेतना विजय मैम, उनके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट रहते हैं, छवि जी कौन से यूट्यूबर की बात मानूं, कौन सा पैक लगाऊं, क्या करूं। तो मैं आपको ये बताती हूँ, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा है उसके पैक को यूज करें, उसके बताए हुए क्रीम यूज करें, जो भी वो बताते हैं वो करें। 10 बोलते ना, 10 नावों के ऊपर अगर आप पैर रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें, सोच विचार के कोई भी पैक बताती हूँ, कोई भी क्रीम बताती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बताती हूँ, उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट, ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए नहीं है। तो ये जो है आपको, मैं लास्ट अभी मेरा ये 2nd बॉटल है और ये मैं ओपन की हूँ कल ही। तो ये ब्रांड की अगर बात करते हो तो ये है ब्रांड है मेंसम विटामिन ई ऑयल 5000 IU, स्किन ऑयल फॉर ऑल ओवर द बॉडी नरिशमेंट। ये ऐसा है कि जो सिर्फ चेहरे के ऊपर नहीं, अपने पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो। पैराबेन क्रुएल्टी फ्री है, इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं डाला हुआ है जो आपकी स्किन को हार्म करे, सारे स्किन टाइप्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, फोर्स नहीं है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हो, ऑयल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया इसलिए मैं आप सब तक ये प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ, ठीक है ना, तो टेंशन की बात नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको ले लेना है ऑयल। मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, जब आप इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का आपको ड्रॉपर मिलता है जिससे आप ऑयल को निकाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसका इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, मैं जब भी इस ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ तो ऐसे ही कवर होता है, मैं इसे हटाती हूँ, ओके, थोड़े से बाउल के अंदर मैं निकाल लेती हूँ, ओके, थोड़ा सा 1/2 स्पून के करीब में आपको लगा लेना है। ये तो ऑयल ऐसा है जो आपके डार्क स्पॉट के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर, मिलास्मा के ऊपर, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, रफनेस है, उन सब के ऊपर ये ऑयल काम करता है। इस ऑयल की खासियत मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये ले लेना है, मैं ये ले चुकी हूं, ठीक है, ये 2 दिन पहले मंगाई हूं और देखिए कि इतना मैं खर्च भी कर चुकी हूं,
रात में मसाज करती हूँ इससे। इसको आप जरूरी नहीं है कि आप डे टाइम में ही लगाएं, आप इसको नाइट टाइम में मसाज करके आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो, या फिर आप मसाज करें 1 मिनट के लिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर लगा छोड़े, उसके बाद आप वॉश कर ले फेस को, और उसके बाद जो भी आपका क्रीम है आप उसको लगा सकते हो। तो ये हो गया। अब चलिए, मेरा फेस एकदम क्लीन है दोस्तों। आप सबको पता है मैं अपने फेस के ऊपर कोई भी मेकअप लगा के नहीं बैठती हूँ, कोई भी मेकअप नहीं। अच्छा, इसका प्राइस जो है 600 है, तो कुछ ना कुछ तो ऑफर रहते ही होंगे, तो आप जाएंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको ये ऑयल लेना है, अपने पूरे फेस के ऊपर आपको इसे लगाना है, पूरे फेस के ऊपर। ओके, अब आपको 2 मिनट तक इसे मसाज करना। आप इसे अपने पूरे बॉडी पे लगा सकते हो, पूरे बॉडी पे, यानी कि फेस ही नहीं, फेस, नेक, हैंड, लेग, सब पे। अच्छा, बहुत लोगों की ये परेशानी होती है कि उनका वीकनी एरिया जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो बेबी को जन्म देने के बाद क्या होता है, उनके फेस, उनके बॉडी के ऊपर, कभी किसी को टमी पे, किसी को थाइज में, किसी को हैंड में ना स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर भी काम करता है। अब 2 मिनट मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, वॉश नहीं करना है फेस को, आपको इसे वैसे ही अपने फेस के ऊपर छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए। हर रोज आपको अपने चेहरे के ऊपर इसे आधे घंटे के लिए लगा छोड़ना है। ये कमेंट बॉक्स में नहीं होना चाहिए कि छवि जी इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं, आप इसको 2 बार इस्तेमाल करेंगी, एक बार मॉर्निंग टाइम में और एक बार नाइट टाइम में। रात में अगर आप चाहते हो तो 15 मिनट रख सकते हो, नहीं तो हाफ एन आवर रख सकते हो, लेकिन मॉर्निंग टाइम में आपको आपको इसे हाफ एन आवर रखना ही रखना है। ओके, जरूरी नहीं है मॉर्निंग टाइम में, मतलब अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो जब आप किचन में जाने वाले हो, जब आप उठते हो ना उस टाइम में ही आप अपने फेस के ऊपर इसे लगा ले। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। कि स्टेप नंबर 2 है ये बनाना, यानी कि केला। आपको क्या करना है, ये केला लेना है, इसका आपको छिलका हटाना है, एकदम अच्छे से छिलका आपको हटा लेना है। आप सोचोगे कि छवि यार छिलका क्या क्या करना है, ये जो छिलका है ये आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, और सबसे बड़ी बात, ये जो पिगमेंटेशन है ना, काले दाग धब्बे हैं, उनका ये रामबाण इलाज है। तो आपने क्या किया, अपने चेहरे के ऊपर हाफ एन आवर के लिए एलमंड ऑयल लगा करके रखा है, ये वाला अगर ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी, आपके पास जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया। अब आपको एक बनाना का छिलका लेना है और पूरे फेस के ऊपर आपको इसी एलमंड ऑयल के ऊपर ही आपको रब करना है। ये नहीं कि एलमंड ऑयल आपको हटा देना है, अंडर आई भी, सर्कुलर मोशन में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। देखिए, टाइम टेकिंग तो है, आपको लगेगा छवि आप जो ये बता रहे हो क्या ये डेली कर पाना संभव है। देखिए, अगर टाइम निकालते हो ना तो हर चीज संभव है, बट अगर टाइम नहीं निकालते हो तो चाहे आप पूरे दिन भी खाली क्यों ना बैठे हो तो भी संभव नहीं। कुछ पाने के लिए तो कुछ तो खोना पड़ता है, तो आपको खोना क्या है, सिर्फ 1 आवर डेली का, 1 आवर लेके चलो, मतलब 1 आवर कंटिन्यू नहीं। अभी एलमंड ऑयल लगा लिए फेस के ऊपर, जो घर का काम करना है करो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यकीन करें, आप, गारंटी देती हूं, 1 महीने में आप मेरे नाम सच्ची में, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके स्किन के ऊपर ये इफेक्ट नहीं दिखाएगा, अभी आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, 1 महीने के बाद जब आपकी स्किन के ऊपर फर्क दिखे ना, तब मेरे चैनल को आकर के जरूर सब्सक्राइब करें,
और मेरे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। ये पूरा देखिए, ये पूरा देख रहे हो आप, कम से कम 15 मिनट तक इसे अपने फेस के ऊपर मैं लगा छोड़ने वाली हूं, 15 मिनट तक, ठीक है। अब जब तक ये 15 मिनट मेरे फेस के ऊपर है, तब तक एक पैक बना देते हैं, वो है स्टेप नंबर 3। ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया, अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो इस पैक को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केला। तो ये केला जो है ना, एक पूरा केला लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ इतना लेना है आपको, बाकी सब खा ले या फिर बच्चों को खिला दे, बनाना बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। तो एक केला है अंदर ऐड कर रही हूं, ओके ओके डन। अब जिसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूं वो है ये टमाटर। अभी टमाटर कितना लूंगी मैं, वो मैं लूंगी हाफ। तो टमाटर भी इसके अंदर कट करके रख रही हूं। आपकी स्किन को व्हाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा और टाइटन भी करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालने वाली हूं, पहले इसे मैं ग्राइंडर में करूंगी ग्राइंड। तो ये एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो चलिए अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। सफिशियंट है मेरे एक फेस के ऊपर और लगाने के लिए, और नेक के ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए निकल चुका है। इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ आपको मुलेठी पाउडर, यानी कि लिकोराइज पाउडर, जिसे यस्टी मधु कहते हैं। वो ये देखिए, ये जो पल्प है ये तकरीबन, ये देखिए तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब में, 1.5 स्पून के करीब में बना है, यानी 1.5 चम्मच के करीब में। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून लिकोराइज पाउडर। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही हूँ ग्राम फ्लावर। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो हमारी स्किन के लिए गजब का है और इस पैक को सुपर से भी ऊपर बना देगा, और आपके पिगमेंटेशन के ऊपर, काले दाग धब्बों के ऊपर, आपके चेहरे के जो झाइयां हैं उनके ऊपर तो कमाल ही करता है। वो है आपको सुगर पाउडर, ये देखिए ये भी मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून। पैक बन के हो गया है रेडी, अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप देखिए पैक तो बन के हो गया है रेडी, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप रेडी है। अब आपके मन में जरूर होगा कि छवि क्या फेस को वॉश करना है, फेस को आपको वॉश नहीं करना है, ठीक है। जो आपके चेहरे के ऊपर बनाना है, आलमंड है, उन सबको यथावत, यानी कि जैसे है वैसे ही आपको छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही आपको ये थर्ड लेयर लगाना है, ठीक है। बस उसके पहले मैं थोड़ा सा इयररिंग अपने निकाल लेती हूँ ताकि मेरे इयररिंग खराब ना हो, ओके। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। लगा छोड़ने वाली हूँ कम से कम 30 मिनट्स के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए। तो इस पैक को जब आप लगाते हैं तो 30 मिनट आपको अपने फेस के ऊपर लगा छोड़ना है। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट्स हो गए हैं, मेरा फेस हो चुका है ड्राई। तो करती हूँ फेस को वॉश और उसके बाद आप सबके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो अभी जस्ट फेस को वॉश करके आई हूँ और आप मेरी स्किन देखिए कितनी ज्यादा ब्राइट लग रही है, लग रही है या नहीं, अगर लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अभी जस्ट फेस को वॉश की हूँ। अच्छा, जब आप फेस को वॉश करते हो तो आपको सिर्फ फेस को ऐसे ही वॉश नहीं कर लेना है, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 20-30 सेकेंड के लिए आपको मसाज करना है, उसके बाद फेस को वॉश करना है। जहां आप फेस को वॉश करते हो आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है, ग्लोइंग लगती है और एकदम बेबी सॉफ्ट लगती है, स्पॉटलेस हो जाए, चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो और दूध जैसी गोरी रंगत आपकी हो गई। अब दूध जैसी गोरी रंगत का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम मिल्की व्हाइट हो जाओगे आप और एकदम से
मीन्स क्या हो जाओगे, ऐसा नहीं। दूध जैसी गोरी रंगत यानी कि स्पॉटलेस ग्लोइंग और ब्राइट, जो आपके स्किन टोन है उससे दो टोन तक फेयर करने वाला है ये फेस पैक। आपको इस पैक को बना के रखने की बात है, आप बना के नहीं रख सकते हो, काला हो जाएगा। डेली बनाए और डेली लगाए। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगी। जहां तक इसको लगाने की एज है, अगर आपकी उम्र हो गई है 14 साल की तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो हफ्ते में दो दिन ग्लोइंग और ब्राइट स्किन पाने के लिए। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। लिंक है इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर मेरे साथ जरूर शेयर करें, यानी कि अगर इस पैक को लगाने की कल से इच्छा हो रही है आपको तो आज मेरे साथ डीएम में अपने पिक्चर को जरूर शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे कौन से नाम से हो मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।